अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक और सवाल ले लेते हैं कि क्या दुशहरा में जो भी आप इसे कहें, मुसलमान पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं कि नहीं। आप में से वो लोग जिनका ताल्लुक इंडिया से है वो तो जानते हैं ये दुशहरा होता क्या है। शायद पाकिस्तान के लोगों में भी कुछ लोगों को पता हो। ये दुशहरा जनाब, ये हिंदुओं का एक त्यौहार है। ये आमतौर पर भारत में, नेपाल में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में मनाया जाता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान वगैरह में तो इसका इतना देखने में नहीं आता। जहाँ हिंदू बरादरियाँ हैं वहाँ पर होली वगैरह इस तरह के त्यौहार तो मनाए जाते हैं। ये दुशहरा का त्यौहार इतने बड़े पैमाने पर मनाया जाता है हिंदुओं के यहाँ कि बहुत ज़्यादा हिंदू अक्सरियत हो ना तो उन्हीं इलाकों में मनाया जाता है। बहरहाल ये बाज़ इलाकों में ये विजया दशमी के नाम से भी जाना जाता है, या अश्वन महीने की शुक्ला पक्ष की 10वीं तारीख को जो गंगा के पैदा होने का दिन है ये इसका इनेकाद होता है। इनके पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि इस दिन दुर्गा जी और राम जी, ये इनके यहाँ जो हैं भगवान हैं, ये इनके फतह का दिन भी मनाते हैं। ये दुशहरा, ये चक्कर क्या है कि वो जो रावण था ना, वो जो लंका में रहता था, जो इनकी सीता को उठा के ले गया था, वो 10 सर वाला जो है ना, तो वो 10 सर वाला तो वो दुशहरा या दशहरा है। बहुत सारी इसमें मुख्तलिफ स्टोरीज़ हैं। और फिर ये भी है कि नवरात्रि का 10वां दिन होता है। ये हिंदुओं का एक अहम त्यौहार है। जैसा मैंने आपको बताया कि इसको मुख्तलिफ नामों से मुख्तलिफ जगहों पर मनाया जाता है। तो इसके लुगवी माने जो है ना, इसके जो डिक्शनरी के जो मीनिंग है, ये 10 रोज़, इससे मुराद है कि ये 10 गुनाहों को ले जाने वाला। तो अब कई कहानियाँ हैं इस दिन, जो ये भी है कि जो इस दिन गंगा में नहाए उसके 10 किस्म के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इसी तरह वो ये भी है कि इस दिन दुर्गा की जन्म अष्टमी या यौम फतह मनाया जाता है। और इस दिन इनके यहाँ जो राजा रामचंद्र है उसका वनवास से घर आना और रावण पर फतह पाना, वो भी इससे है। अच्छा, अगर आप इनकी कदीम किताबें देखें या तारीख़ देखें तो उसमें ये भी हमें मिलता है कि कदीम ज़माने में ये मौसमी त्यौहार था, क्योंकि इस रोज़ दिन और रात बराबर हो जाते हैं और मौसम एतदाल पर आ जाता है, तो फिर इस त्यौहार पर मज़हबी रंग चढ़ गया और ये रावण के ख़िलाफ़ रामचंद्र की फतह की याद के तौर पर भी मनाया जाता है। ये दशहरा या दुशहरा या दुशहरा, ये नाम जो है ना, ये सांस्कृत ज़बान का, जिसमें दुश हैरा ये दो लफ्ज़ों का मुरक्कब है। दुश के मानी दुश्मन या सॉरी दुश्न, यानी कि 10 सर वाला दुश्न, और ये रावण का लकब भी था। और हैरा के मानी हार के हैं, यानी कि रावण की हार का दिन। हिंदुओं की किताब रामायण के मुताबिक जो इनके राम हैं उन्होंने इसी दिन रावण को ख़त्म किया। इस जो ना बातिल पर उनकी फतह के चक्कर में जश्न मनाया जाता है। तो बहरहाल यही है कि दशहरा के दिन राम ने रावण को ख़त्म किया और फिर उसके बाद अयोध्या वापस आए, जिसकी खुशी में ये फिर दिवाली भी मनाते हैं। 20 दिन के बाद जब वापस आए ना इसके रावण को मारने के, तो इसलिए अब आप देखेंगे इनके पास दिवाली का त्यौहार भी आएगा। एनीवे, जो लोग हिंदुओं में रहते हैं उनका तो एक्सपोजर है इन चीज़ों में। जो लोग मुसलमानों में या मुस्लिम ममालिक में रहते हैं उनका एक्सपोजर नहीं है। वो लोग जो पाकिस्तान से हैं वो जानते हैं कि पाकिस्तान वगैरह में इस तरह का एक्सपोजर नहीं है। बहुत हुआ तो लोगों ने मूवीज़ में देखा है कि होली के वो गाने हैं, या इस तरह मुख्तलिफ़ इनके गणपति के या दुशहरा के इस तरह के, लेकिन पीपल डोंट नो व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल दीज थिंग्स। हमें भी नहीं पता था, हमने भी कभी नहीं देखे। फिर उसके बाद जब वर्ल्ड रिलीजन्स के बारे में पढ़ा और उसके बाद देखा, तो फिर एक होता है ना, तहकीक होती है तो फिर इंसान को एक्सपोजर होता है। फिर इस चैनल में पे बहुत सारे लोग, कोई 60-70% लोग भारत से
देखने वाले हैं मेरे इस चैनल के, तो अक्सर लोग जो सवाल करते हैं, क्योंकि हमारा एक्सपोजर इस तरह नहीं होता, तो फिर अल्लाह के फजल व करम से फिर तहकीक करता हूँ, फिर चीज़ें समझ में आती हैं, तो फिर आप लोगों के सामने उसे बयान करने की एक तालिब इल्माना कोशिश करता हूँ। तो बहरहाल हिंदुओं में इसका एक आप समझ लें बहुत इम्पोर्टेंस है, उनके यहाँ ये हक व बातिल की लड़ाई की जीत का दिन है, तो इसलिए उसको दिन को बड़ा मनाते हैं, और उनके यहाँ ये रावण के ख़िलाफ़ राम की फतह के तौर पर ये बनाते हैं। उसकी एक बड़ी तफसील आती है, हम उसमें तो नहीं जाते। अच्छा, मैंने जो आपको बताया ना जी, उनके यहाँ ये है कि रावण के 10 गुनाहों की वजह से वो जो 10 सर हैं, वो 10 सर उसके 10 गुनाहों की नुमाइंदगी करते हैं, तो वो जो 10 सर जो 10 पाप हैं वो धुल जाते हैं, तो उसकी तरफ वो 10 बुरी खसलतों से छुटकारा दिलाने की तरफ उनके वो जो 10 हैं वो क्या है। एक तो वो कहते हैं हवस, इसको कहते हैं हवस। फिर एक है गुस्सा, क्रोध जिसको कहते हैं। फिर इनके यहाँ एक होता है मोहा, ये कशिश का जज्बा ना, अट्रैक्शन। इसी तरह लालच, लोभ। इसी तरह तकब्बुर, ये भी। फिर इसी तरह हसद, खुदगर्जी, बेइंसाफी, सफाकी, और इसी तरह जो है अना, यानी अहंकार जिसको ये कहते हैं हिंदी में। तो अब ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो बैड क्वालिटीज़ हैं, वो 10 बैड क्वालिटीज़ हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है ये एक अलम है, बुलंद किया जाता है कि इसके सर्वनाश के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए। एनीवे, बहुत सारी इसमें तफसीलात हैं, ये मकसद नहीं है आज के दर्स का, एक बैकग्राउंड आपको एक देना चाह रहा था मैं। अब आते हैं कि जो हिंदुओं की तकरीबात हैं इसमें मुसलमान पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि नहीं। आपने देखा होगा कि ये, क्योंकि बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, मसला सारा ये है यार कि वो देखते हैं कि यार सलमान खान जो है वो भगवान के आगे जो है वो हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है, और कहीं शाहरुख खान आरतियाँ उतार रहा है। इट्स लाइक नॉनसेंस है। कहते हैं कि यार ये लोग भी तो करते हैं, फिर हिंदू इसको यूज़ करते हैं अगेंस्ट मुस्लिम्स, कहते हैं कि देखो इनको प्रॉब्लम नहीं है, तुमको क्यों प्रॉब्लम है भाई। तो मसला ये है कि इनको प्रॉब्लम नहीं है तो ये प्रॉब्लम है। इनको प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है कि भाई इनको प्रॉब्लम क्यों नहीं है। इनको प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम इन तमाम चीज़ों के ख़िलाफ़ है। ये बुत परस्ती है ही नहीं। अब आप ये देखें ना, सूरह काफिरून उठा के देखें, ये सबसे बेहतरीन जवाब है। सूरह काफिरून में बेहतरीन जवाब है कि काफिरों से कह दें कि जिनकी तुम परस्तिश करते हो मैं नहीं करता, और जिस एक खुदा की परस्तिश की तरफ मैं बुलाता हूँ तुम आते नहीं, तो तुम जिनकी परस्तिश करते हो मैं उनकी परस्तिश करने वाला नहीं हूँ, और जिस एक खुदा की परस्तिश की तरफ मैं तुम्हें बुलाता हूँ उसकी तुम परस्तिश करने वाले नहीं हो, तो लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा, मेरे लिए मेरा, तो रास्ते जुदा हैं। अब जिन लोगों के रास्ते जुदा हैं उनमें से कोई आकर उस रास्ते पर भी चलना चाहे और इस रास्ते पर भी चलना चाहे, तो ऐसा हो नहीं सकता ना कि आप एक वक्त में दो कश्तियों में सवार होकर एक मंजिल की तरफ नहीं जा सकते, जबकि कश्तियों के रुख भी अलग अलग हो। कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। तो एनीवे, मसला सारा ये है कि लोग कमेंट्स भी करते हैं कि भाई प्रेम सबसे बड़ा धर्म है और इंसानियत सबसे बड़ा भी, लाइक कम ऑन, गिव मी अ ब्रेक। ये नॉनसेंस, ये प्रेम और लव और ये सब नॉनसेंस, किसने पट्टियाँ पढ़ाई हैं तुम्हें यार। देखो, जहाँ तक इंसानियत का ताल्लुक है ना, इस्लाम सबसे ज़्यादा इंसानियत का पाठ पढ़ाता है। जब ये बात होती है तो ये ढूंढ ढूंढ के वो एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी लेकर आते हैं जिन्होंने माशरे में फसाद मचाया होता है, लेकिन कभी वो एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटीज़ नहीं लेके आएंगे जिन्होंने माशरे में एक अच्छा माहौल बनाए रखा है। अच्छा, अच्छे माहौल बनाए रखने के लिए आपको दूसरे की पैरवी और इताअत और उसके धर्म के उन चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं होती। देखिए ना, हिंदुओं की तकरीबात में शिरकत करना, हिंदुओं और गैर मुस्लिमों का कोई भी त्यौहार हो, मुसलमानों को हिंदुओं के त्यौहार नहीं मनाने चाहिए, पीरियड। तुम सुपरस्टार हो कि ज़ीरो स्टार हो, नहीं मना सकते। मुसलमान हो तो नहीं मना सकते। मुसलमानों के लिए अपने त्यौहार हैं,
और मुसलमान अपने वो त्यौहार मनाते हैं। ईदें हैं, जुमे का दिन है, यानी मुसलमानों के लिए तो हर हफ्ते एक त्यौहार है जुमे का दिन, मनाओ उसको, क्यों ही मनाते। 52 जुमे आते हैं एक साल में, प्लस ईद के दिन। इसके अलावा और कितने ही त्यौहार हैं, दीनी त्यौहार हैं बहुत सारे। तो बहरहाल अब हिंदू होली खेलते हैं, मुसलमान नहीं खेल सकते क्योंकि उनके रिलीजियस त्यौहार है, उसके पीछे एक पूरी रिलीजियस हिस्ट्री है। यानी इन त्यौहारों में पार्टिसिपेशन का मतलब है कि यू एग्री विद दीज थिंग्स, यू एग्री के ये हुआ था और ये इनके गॉड्स हैं और इनके ये गॉडेसेस हैं और ये सारा मामला हुआ, ये इट गोज अगेंस्ट। आप होली नहीं खेल सकते, आप दशहरे में शामिल नहीं हो सकते। अच्छा, लोग कहते हैं कि अच्छा अगर हम दशहरे में शामिल ना भी हों लेकिन हम जाके उनके रसूमात में बस खड़े हो जाएं, हम हाथ भी ना लगाएं, कोई तबर्रुक भी ना खाएं, एक दूसरे पे रंग भी ना फेंकें, क्योंकि ये तो हराम हो गया ना, बुतों को हाथ लगाना भी हराम है, बुतों का तबर्रुक खाना भी हराम है और रंग फेंकना भी हराम है, ये तमाम चीज़ें तो फिर दाखिल हो गई ना इबादत में, तो हम तो बस जाके ऐसे खड़े हो गए, उनकी स्पीचेस सुन ली, क्या ज़रूरत है। यानी जब तुम गंद सुनोगे, गलत सुनोगे तो गलत बोलोगे। ये जो हाथ बांध के तुम क्यों खड़े हो वहां पे, व्हाई आर यू देयर, मतलब क्या वजह है। अच्छा, इसी तरह हमारे यहाँ कुछ मुसलमान ये रक्षाबंधन में भी राखियां बंधवाते हैं हिंदू लड़कियों से। ओ भाई इस्लाम ने मना किया है, ये कुछ नहीं होता, ये धागे वागे बांधने से कोई बहन भाई नहीं बन जाता, कोई माथे पे तिलक भी लगवा लेते हैं उसके बाद। अच्छा, क्या करें। और फिर पूछो तो वो अदाकारों की एग्जांपल्स देते हैं कि वो ये खान और वो खान, और ये तो देखो ना वो फला खान ने तो हिंदू लड़की से शादी की है, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमको क्यों प्रॉब्लम है। वो यही तो हमें प्रॉब्लम है कि उन्हें प्रॉब्लम नहीं है, यही तो हमको प्रॉब्लम है कि उनको प्रॉब्लम नहीं है, उनको होनी चाहिए प्रॉब्लम क्योंकि इस्लाम ने इसकी इजाज़त नहीं दी है। ये प्रेम व्रेम कोई चीज़ नहीं होती भरी बड़ी दुनिया, प्रेम जो है ना वो अल्लाह से सबसे ज़्यादा प्रेम होता है, और क्योंकि मुसलमान का प्रेम अल्लाह से सबसे ज़्यादा होता है और उसका अपना प्रेम भी रब के प्रेम के ताबे होता है, तो जिसकी इजाज़त उसके रब ने नहीं दी ना वो काम नहीं करता, ये प्रेम होता है। वरना तो इंसान अपने आप से प्रेम कर रहा है, फिर अपने आप से प्यार कर रहा है, जो उसका दिल चाह रहा है कर रहा है और कह रहा है मुझे रब से प्रेम है, ये क्या बात हुई, ये किसको धोखा दे रहे हो। धोखा नहीं दो यार, धोखा नहीं दो। अब तकरीबात में मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें होती हैं, अब फिर उसका अलग अलग हुक्म है। कुफार की मजहबी तकरीबात में किसी मुसलमान के लिए शिरकत करना नाजायज़ मुतलकन, जो है आप यूं करें ना कि अगर आप उसको मुबारकबाद तक चले गए वो तो हराम है। शिरकत करना भी उलमा कहते हैं जायज़ नहीं है क्योंकि उससे एक बॉन्डिंग, रिलीजियस बॉन्डिंग की तरफ आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप कुछ ना कुछ हो आप उसको मान सम्मान दे रहे हैं। एक झूठ को मान सम्मान कैसे दे सकते हैं आप, झूठ का तो मान सम्मान नहीं होता ना। अब आप कहेंगे झूठ कैसा, वो ना माने, हम तो कहते हैं ना कि हम नहीं मानते, कोई इसके ऊपर दलील तो लाओ ना, कोई दलील नहीं। अच्छा, जिसको मना रहे हो भगवान समझ के, उसने खुद भी नहीं कहा कि मुझे भगवान बना के पूजो, तुमने भगवान बनाया, कोई दलील नहीं है। हाथों बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, कोई दलील तो लेके आओ अगर तुम सच्चे हो, कोई दलील नहीं। को पंडित मर गया तो उसकी समाधि बना दी, उसकी पादुकाओं की पूजा शुरू कर दी। क्या कुछ लोग जिंदा पंडितों को पूजना शुरू कर देते हैं, कोई एक्टर मशहूर हो जाए तो उसका पुतला बना के उसके आगे जो है पूजना शुरू कर दे, कोई नॉनसेंस है यार, मतलब कोई हद होती है बेवकूफ़ी। को बंदरों को पूज रहे हैं, चूहों को पूज रहे हैं, ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे चूहे फिर रहे हैं, उनको खाना खिला रहे हैं, भगवान है चूहा। वो खुदा का खौफ करो यार, अल्लाह ताला ने तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया, तुम चूहों को पूज रहे हो, वो सांपों को पूज रहा है, कोई आग खुद जला के आग को पूज रहा है,
अग्नि को साक्षी मान के फेरे लिए जा रहे हैं। यानी ये तो खड़े हैं पड़े हैं यहाँ पर, तो बंदे खुदा से बड़े हैं। अजीब है, खुद बनाते हैं खुद पूछते हैं, खुद बनाते हैं खुद उसके ऊपर तीर मार के जला देते हैं, खुश हो जाते हैं। यही मसला है सोसाइटी का कि हमने तीर मार के जलाने को इनकलाब समझ लिया है। ये इनकलाब अंदर आना चाहिए। ये जो 10 बातें आपको गिनवाई हैं ना मैंने, ये परिवर्तन कितने लोगों में आया है? जो रावण को हर साल जलाते हैं फिर वो जाके करप्शन करते हैं कि नहीं करते हैं? वो जो नेता रावण पे तीर मारते हैं उनमें से कितने नेता खुद रावण हैं? हसद, जलन, बोग्स, रिश्वतखोरी, झूठ, तासुब, अपने अंदर इन बीमारियों को नहीं मारते लेकिन रावण को मारने हर साल पहुंच जाते हैं। ये क्या ढोकला ढकोसला है, ढकोसला, ये ड्रामेबाजियां नहीं करो। हमारे पास भी ये हाल है, लोगों का ड्रामेबाजियां करते रहते हैं। फला दिन मनाया, फला उर्स मनाया, नहीं मनाया। क्यों नहीं मनाया भाई? अच्छा उनसे पूछो कि ये जो आप उर्स मना रहे हैं, ये इन जिसका उर्स मना रहे हैं उनकी तालीमात क्या थी? ज़ीरो पता होगा, ज़ीरो। और जो पता होगा उसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं होगा। हमारे यहाँ भी यही हाल है, उनको क्या बोलूँ कि कितने हैं ये जो जाके धागे बांधते हैं मज़ारों पर माथे, ये सजदा नहीं कर रहे हम, लेकिन सजदे जैसा तो कर रहे हो। ये कब्रों के ऊपर क्या है ये? व्हाट इज़ दिस? ये कहाँ से लेके आए हो तुम? ये चादरों पे चादरें बिछाई जा रही हैं, कहाँ से लेके आए हो? मुझे मत बोलो कि आला हज़रत ने कभी ऐसी कोई बात नहीं की, तो ये झूठ बोलना छोड़ दो। आला हज़रत ने नहीं कहा कि भाई चादरों पे चादरें चढ़ाते जाओ, नहीं ऐसा कुछ नहीं कहा आला हज़रत ने। उठा के पढ़ो फतावा रिज़वी या मलहूज़ात आला हज़रत, पढ़ो जाके। पढ़े वड़े पढ़ावा नहीं है, बस जो नज़्म मन में आया वो आला हज़रत पे बोल दो और उसके बाद काम करते रहो अपना। किसी ने भी नहीं पढ़ा हुआ आला हज़रत को, पढ़ो ना कभी यार, मेहनत तो करो ज़रा। बस जो चल रहा है वो चल रहा है, ये चढ़ावे चढ़ाए जा रहे हैं मुजाविरों को। ये पैसा जो तुम चादरों पे लगा रहे हो इसको जाके ना किसी ईसा ले सवाब में लगा दो, किसी गरीब की शादी करा दो, किसी बच्चे यतीम की किफालत कर दो, किसी अच्छे काम में कारे खैर में लगा दो, ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। किसी गरीब के घर का चूल्हा जला दो, किसी को कोई काम सिखा दो, किसी का घर बनवा दो, कोई ऐसा काम करो ना यार, कोई चेंज आए। ये चादर चढ़ाने से, फूल चढ़ाने से क्या चेंज आती है? हम भी यही समझ रहे हैं, वो भी यही करते हैं, वो भी जला देते हैं और खुश हो जाते हैं। हम बत्तियां जला लेते हैं। अब रबीउल अव्वल का महीना है, सुभान अल्लाह बरकतों का महीना है। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का महीना है। हुजूर का जिक्र कसरत से होता है, वैसे तो सारा साल होना चाहिए लेकिन ख़ास करके इस महीने में कसरत से होता है। लेकिन उम्मत पे क्या फ़र्क पड़ता है? कितने लोग हैं जो मीलाद की खुशियां मनाते हैं पर नमाजें दुरुस्त नहीं करते, इखलाक दुरुस्त नहीं करते, हराम में नहीं बंद करते, चोरी चकारियां नहीं बंद करते, डाके नहीं डालते? चेंज आता है, कितनों में आता है? पर ये जो हमने तकरीरें बना ली है ना कि रबीउल अव्वल का है तो इस पे तकरीर करेंगे, रजब का है तो इस पे तकरीर करेंगे, रमज़ान का है तो इस पे, ये तकरीरों के महीने नहीं है, चेंज के महीने। चेंज लेकर आओ अपने अंदर। तुम्हारे अंदर अगर चेंज नहीं आ रहा ना तो कोई फ़ायदा नहीं इन चीज़ों का। इन चीज़ों का मकसद है कि माशरे में सुधार पैदा हो, अल्लाह और उसके रसूल से जुड़े रहो, ये मकसद है इसका। बुजुर्गाने दीन ने और उलमा ने ये जो एक पूरा सारा साल का एक निज़ाम बना के दिया है ना, जिसको ये नाम निहाद अभी पैदा हुए हुए बिदत कहते नहीं थकते, ये निज़ाम बना के दिया उन्होंने इस उम्मत को, उस निज़ाम के अंदर इस चीज़ को उन्होंने दाखिल किया है।
कि ये चीज़ें, ये अज्जा तुम्हें किसी ना किसी तरह अल्लाह वालों से जोड़े रखेंगी, अल्लाह वालों के ज़िक्र में जुड़े रहोगे, किसी ना किसी अल्लाह वाले के ज़िक्र से तुम्हें जोड़ दिया है। लेकिन उस सोच के ऊपर काम करने के बजाय लोगों ने धंधा बना लिया है। जो तकरीर करने वाला है उसका भी धंधा है, जो उर्स कर रहा है उसका भी धंधा है, जो चादरें बेच रहा है उसका भी धंधा है, फूल वाले का भी धंधा है, जो आ रहा है वो भी अंदर से खाली है, जो दे रहा है वो भी अंदर से खाली है। तो खाली डब्बा लोगे दोगे तो कख मिठाई मिलेगी, अंदर मिठाई ही नहीं है, बस डब्बा है, खूबसूरत रैपिंग है, ना तुमने रैपिंग खोलनी है ना उसने खोलने का कहना है। कभी डब्बा खोल के तो देखो कि खाली है, तो फिर इस डब्बे का क्या करोगे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। फिर आप कहोगे कि साथ साहब बहुत लंबी बात कर दी, क्या करूं यार, दिल दुखता है, दिल दुखता है। तो आपसे कहता हूं, अल्लाह ना करे वो जो हमारे उस्ताद कहते थे कि भाई हम कहते कहते चले जाएंगे, ये सुनते सुनते चले जाएंगे, ना इन्होंने अमल करना है ना हमने कहना बंद करना है। मैं कहता था नहीं उस्ताद साहब, मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ, मैं यूँ मनफी सोच नहीं रखता, मैं समझता हूँ कि तब्दीली आएगी, अगर हम अपना काम करते रहें तो तब्दीली आएगी। और वो जो पाकिस्तान में रहते हैं वो इस लफ्ज़ से बड़े डिफरेंट तरीके से वाकिफ हैं कि तब्दीली आ गई है, कहते हैं ना, हुकूमती नारे हैं। बहरहाल, विदाउट गोइंग इनटू पॉलिटिक्स, कि तब्दीली लाओ अपने अंदर, ये तब्दीली बहुत ज़रूरी है, अच्छाई अच्छाई की तब्दीली लाओ। बहरहाल, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, अल्लाह से जुड़े रहिए, अल्लाह वालों से जुड़े रहिए, अपने रब को मनाने के लिए मेहनत कीजिए, अपनी इबादतों पर गौर कीजिए, और छोटे छोटे मसलों में उलझने के बजाय, फुरूई मसाइल में उलझने के बजाय, दीन की असास को, रूह को पकड़े, मेहनत करें, उसमें आगे बढ़े। यकीन मानिए, यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं, आप थोड़ी तवज्जो तो दें, आप इस बात का इजहार तो करें कि मेरे रब मैं करना चाहता हूं, वो रब तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, अल्लाहु अकबर, वो अपनी रहमतों को तुम पर नाजिल फरमाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।